स्केटरिंग ऑफ लाइट। तो आज हम लोग स्केटरिंग ऑफ लाइट से आगे पढ़ेंगे। तो वेलकम फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग स्केटरिंग ऑफ लाइट के आगे। हमारा मेन उद्देश्य रहता है कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन को पढ़ना और उसको समझना। द इंटरप्ले ऑफ लाइट विथ ऑब्जेक्ट अराउंड द अर्थ गिव्स राइज टू सेवरल स्पेक्ट्रल फेनोमेना इन द नेचर। तो हमारे नेचर में जो लाइट है ऑब्जेक्ट के साथ विभिन्न विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रल फेनोमेना बनाते हैं, स्पेक्ट्रम बनाते हैं, बहुत सारे टाइप्स के स्पेक्ट्रम बनाते हैं। अब फॉर एग्जांपल द ब्लू कलर ऑफ स्काई, स्काई का जो ब्लू कलर है वो भी स्पेक्ट्रम के स्पेक्ट्रल फेनोमेना के कारण ही होता है। कलर ऑफ वाटर इन डीप सी, डीप सी का वाटर, कलर ऑफ वाटर इन डीप सी। द रेडनिंग ऑफ सन राइज एंड सन सेट, सन राइज और सनसेट, सन का उगने के पहले और लाल जो दिखाई देता है, सन उगने के पहले और डूबने के बाद, डूबने पर जो लाल दिखाई देता है वो। एंड सम ऑफ द वंडरफुल फेनोमेना वी फेमिलियर विथ, इस सारे फेनोमेना से हम क्या है फेमिलियर हैं। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, वाटर इन ए डीप सी, रेडनिंग ऑफ द सन राइज, वी आर फेमिलियर फॉर दिस। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड अबाउट द स्केटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग स्केटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल, यानी कोलाइडल पार्टिकल से हमारा लाइट कैसे स्केटर्ड होता है वो हम प्रीवियस चैप्टर में क्या है पढ़ चुके हैं, क्या कर चुके हैं पढ़ चुके हैं। यू हैव लर्नड अबाउट द स्केटरिंग ऑफ लाइट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए ट्रू सॉल्यूशन इज नॉट वेरिएबल। द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट, यानी लाइट का जो बीम ट्रू सॉल्यूशन से पास होता है वो विजिबल नहीं होता है। हाउएवर इट्स पाथ बिकम विजिबल थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन से अगर कोई लाइट पास हो रहा है, अगर मान लीजिए ये हमारा एक बॉक्स हो गया और यहाँ पे हमारा ट्रू सॉल्यूशन से जो लाइट जाएगा वो विजिबल नहीं होगा, इसमें जब जाएगा तो यहाँ से हमको विजिबल नहीं दिखाई देगा। लेकिन वही अगर कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, क्या होगा कोलाइडल सॉल्यूशन होगा तो हमारा क्या होगा विजिबल दिखाई देगा। ट्रू सॉल्यूशन पे विजिबल नहीं होगा, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन जो होगा तो वो क्या दिखाई देगा विजिबल दिखाई देगा, ठीक है। हाउएवर द पाथ बिकम विजिबल थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन वेयर द साइज ऑफ द पार्टिकल इज रिलेटिवली लार्जर। यहाँ पे साइज ऑफ द पार्टिकल, कोलाइडल का पार्टिकल का साइज लार्जर होगा तो वहां पे हमें क्या होगा दिखाई देगा, क्या होगा दिखाई देगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेंडल इफेक्ट। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? टेंडल इफेक्ट। तो टेंडल इफेक्ट में हम लोग चलते हैं, क्या होता है टेंडल इफेक्ट देखते हैं, टेंडल इफेक्ट क्या होता है, ठीक। तो टेंडल इफेक्ट के बारे में हम लोग देखते हैं। तो टेंडल इफेक्ट जो है द अर्थ एटमोस्फियर, पहले हमने पढ़ा स्केटरिंग ऑफ लाइट, अब कहते हैं कि टेंडल इफेक्ट। द अर्थ एटमोस्फियर इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो मिक्सचर तीन टाइप के हो सकते हैं, ऑटोजीनियस, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ऑटोजीनियस, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ठीक। तो ये क्या है हेट्रोजीनियस, ऑटोजीनियस जिसमें एक ही प्रकार के मिक्सचर, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो अर्थ में बहुत प्रकार के चीज है तो ये हेट्रोजीनियस है, इसमें सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैसेस भी है, तो ये क्या है हेट्रोजीनियस है। तो अर्थ एटमोस्फेयर इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ माइनोर पार्टिकल, पार्टिकल का क्या है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ये, ठीक है। दिस पार्टिकल इंक्लूडेड स्मोक, स्मोक है इसमें,
जैसे गैस हो गया, टीनी वाटर ड्रॉपलेट लिक्विड हो गया, सस्पेंडेड पार्टिकल यानी टीनी वाटर ड्रॉपलेट भी है, सस्पेंडेड पार्टिकल भी, ठीक है। When a beam, water droplet तक हो गया था, the earth atmosphere is a heterogeneous mixture of minute particle. These particle include a smoke, यानी gases हो गया, tiny particle liquid हो गया, suspended particle and the dust, ये भी gases हो गया, molecule of air, gases यानी gases और ये क्या है, droplets हैं, liquid है. When a beam of the light strikes such the particle, the path of the beam become visible. जब कोई beam of the particle, particle का जब भी कोई beam उस पे strike करता है तो the path of the particle become visible. तो path of the particle क्या हो जाता है, become visible. Visible. The light reaches us after being reflected diffusely by this particle. तो द लाइट रीचेज अस आफ्टर रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली बाय द पार्टिकल, जब पार्टिकल पे वो लाइट आता है तो वो डिफ्यूज होता है, रिफ्लेक्ट होता है, डिफ्यूज होता है, यानी चारों तरफ जाता है, ठीक है। अब चलिए, द फेनोमेना ऑफ स्केटरिंग ऑफ द लाइट बाय ए कोलाइडल पार्टिकल गिव राइज टू टेंडल इफेक्ट। तो ये जो है द फेनोमेना ऑफ स्केटरिंग ऑफ लाइट यानी लाइट का स्केटर होना थ्रू कोलाइडल पार्टिकल के द्वारा गिव्स राइज द टेंडल इफेक्ट विच वी स्टडी इन क्लास 9th। तो 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ चुका है कि टेंडल इफेक्ट स्केटरिंग जो होता है हमारा लाइट का कोलाइडल पार्टिकल के थ्रू, अगर हमारा लाइट का स्केटरिंग होता है तो वो क्या जाता है, टेंडल इफेक्ट। This phenomena is seen when a fine beam of sunlight enter in a smoke-filled room through a small hole. इस phenomena को हम देख सकते हैं कब fine size of the sunlight enter in a smoke-filled room through a small hole. Small hole के through अगर किसी smoke-filled room है उसमें अगर light को ले जाए, thus the scattering. Thus the scattering of the light make the particle visible. तो particle को visible क्या बनाता है, light का scattering. Tendril effect can also be observed when the light passes through a canopy of a dense forest. तो canopy of dense forest में भी हम लोग यहाँ पे forest dense है वहां भी tendril effect जान सकते हैं। A tiny water droplet in a mist, in the mist scattered light. Here tiny water droplet, जहाँ पे tiny water droplet with a mist is scattered light, light को scattered करता है. The color of scattered light depend upon the size of scattering particle. The scattered light जो होता है उसका color, यानी the color of scattered light, यानी scattered light का जो color होता है depend करता है on the size of scattering particle. हम जिस particle को scattered कर रहे हैं
स्कैटरिंग पार्टिकल कैसा है उस पे डिपेंड करता है, स्कैटरिंग पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है कलर। द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट, अमर व्हाइट व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट सेवन कलर से बना हुआ है। अब जो वो व्हाइट लाइट के किस कलर को स्कैटर्ड करेगा ये बात उसके साइज पे निर्भर करेगा। अ वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर्ड मेनली ब्लू लाइट। अगर बहुत फाइन पार्टिकल है, बहुत फाइन बारीक है, तो वो ब्लू लाइट स्कैटर्ड करेगा। व्हाइल पार्टिकल विथ लार्जर, अगर लार्ज है साइज पार्टिकल विथ लार्जर साइज स्कैटर्ड द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, अगर उसका साइज लार्ज है तो वो लॉन्गर वेवलेंथ को करेगा। इफ द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल इज लार्ज इनफ, अगर बहुत बड़ा है, देन स्कैटर्ड लाइट मे बी इवन अपीयर व्हाइट, अगर बहुत बड़ा है तो व्हाइट भी अपीयर हो सकता है स्कैटर्ड लाइट। तो अगर छोटा है तो ब्लू अपीयर होगा, बड़ा है तो लार्जर वेवलेंथ का लाइट अपीयर होगा, अगर बहुत बड़ा है तो व्हाइट लाइट भी अपीयर हो सकता है। तो समझ लीजिए, आगे हम चलते हैं। तो आगे में हमारा क्या है, आगे है कि व्हाई इज द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, ब्लू कलर जो है हमारा स्काई का क्यों है। तो हम देखते हैं क्यों है हमारा कलर स्काई का ब्लू। तो चलिए देखते हैं। द मोलिक्यूल ऑफ द एयर एंड द अदर फाइन पार्टिकल इन द एटमोस्फियर हैव साइज स्मॉलर देन द विजिबल लाइट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि द मोलिक्यूल ऑफ द एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल इन द एटमोस्फियर, एटमोस्फियर में जो एयर के मोलिक्यूल है और अदर फाइन पार्टिकल के मोलिक्यूल है, इसका साइज जो है, एयर के मोलिक्यूल का साइज है और अदर फाइन पार्टिकल के मोलिक्यूल का जो साइज है वो क्या है, स्मॉलर देन द विजिबल लाइट। यानी साइज ऑफ द एयर, साइज ऑफ द मोलिक्यूल ऑफ द एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल, अदर फाइन पार्टिकल और एयर मोलिक्यूल का साइज इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट के वेवलेंथ से क्या होता है, स्मॉलर होता है हमारे एटमोस्फियर में जो मोलिक्यूल्स है उसके साइज। दीज आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। तो ये मोर इफेक्टिव होते हैं शॉर्टर वेवलेंथ को स्कैटर करने के लिए, एट द ब्लू एंड देन द लाइट ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ एट द रेड एंड। तो ये ज्यादातर जो होते हैं मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, यानी शॉर्ट वेवलेंथ के लाइट को स्कैटर करने में ये क्या होते हैं, मोर इफेक्टिव होते हैं। बशर्ते जो हमारा रेड लाइट है उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, उसके बनस्पत में एक शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू लाइट को ज्यादा स्कैटर करते हैं। द रेड लाइट है जो वेवलेंथ अबाउट 1.8 टाइम्स मोर देन द ब्लू रेड लाइट ब्लू लाइट। तो ये भी आपको याद रखना है कि रेड लाइट का वेवलेंथ जो होता है 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन ब्लू लाइट के वेवलेंथ से ज्यादा होता है। रेड लाइट का वेवलेंथ क्या होता है, ब्लू लाइट के वेवलेंथ से ज्यादा होता है। अब चलिए, दस व्हेन द लाइट पासिस थ्रू द एटमोस्फियर, इसलिए हमारा जब भी लाइट एटमोस्फियर से पासिस होगा तो एटमोस्फियर में क्या है, ये फाइन पार्टिकल है और वो फाइन पार्टिकल जो है वो स्कैटर्ड करेंगे, तो वो ब्लू लाइट को स्कैटर्ड करेंगे क्योंकि ब्लू लाइट का वेवलेंथ कम है। यानी फाइन पार्टिकल हमेशा कम वेवलेंथ वाले पार्टिकल को स्कैटर्ड करते हैं, इसलिए हमारा एटमोस्फियर क्या दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। द फाइन पार्टिकल ऑफ द एयर इज स्कैटर्ड द ब्लू कलर यानी शॉर्टर वेवलेंथ, छोटी वेवलेंथ, फाइन है तो छोटा वेवलेंथ के कलर को वेवलेंथ, मोर स्ट्रॉन्गली देन द रेड के अपेक्षा मोर स्ट्रॉन्गली ब्लू को स्कैटर्ड करता है। दिस स्कैटर्ड ऑफ द ब्लू लाइट इंटर इन आवर आई, ब्लू लाइट जो स्कैटर्ड है हमारे आंखों में क्या करता है, एंटर होता है। इसलिए हमारा जो अर्थ जो है, अर्थ का अर्थ है वो ब्लू दिखाई।
स्काई जो है हमारा, स्काई जो है हम देखते हैं अब अर्थ से, तो स्काई हमारा क्या दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। इफ अर्थ हैज नो एटमोस्फियर, अगर अर्थ के पास कोई एटमोस्फियर नहीं हो, देयर वुड नॉट हैव बीन स्कैटरिंग, तो कोई स्कैटरिंग क्या होगा, नहीं होगा, स्कैटरिंग क्या होगा, नहीं होगा, देन द स्काई वुड लुक्ड डार्क, तब स्काई हमारा डार्क दिखाई देता है। तो स्काई हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर में जो टीनी पार्टिकल है, फाइन पार्टिकल है, वो ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं, और ब्लू लाइट हमारे आंखों में आते हैं, तो हमें जो स्काई जो है ब्लू दिखाई देता है। अगर हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर नहीं होता तो जो स्काई जो है वो कैसा दिखाई देता, डार्क दिखाई देता। द स्काई अपीयर डार्क to the passenger flying in high altitude. High altitude पे अगर कोई, the sky appear dark, हमारा sky dark appear होता है, और the passenger flying in high altitude, as scattering is not prominent at such high. तो high altitude पे हमें क्या dark दिखाई देता है sky, क्योंकि वहां पे scattering नहीं हो पाता है, क्या होता है, scattering नहीं हो पाता है। You might observe that the danger signal of the light are red in color. Danger signal. You might observe that danger signal of the light are red in color. ज्यादातर सिग्नल जो लाइट की होती है वो रेड कलर की होती है, क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा होता है। Do you know why? क्यों ऐसा क्यों होता है? The red is least scattering by the fog. यानी फोग या किसी के द्वारा, द रेड इज लिस्ट स्केटरिंग बाय द फोग, देयरफॉर इट कैन बी सीन इन द सेम कलर एट ए डिस्टेंस। यानी रेड का स्केटरिंग तो कम होगा क्योंकि ये ज्यादा वेवलेंथ वाला है, तो इसलिए ये जो है सेम कलर का दिखाई देगा, ये सेम कलर का क्या होगा, दिखाई देगा। इट्स इन सेम कलर एट ए डिस्टेंस, कितना भी डिस्टेंस हो या क्या दिखाई देगा, सेम कलर का दिखाई देगा। ठीक है, यहां तक अपना हो गया, अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे है कि कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। तो कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, हैव यू सीन द स्काई एंड द सन एट सनराइज एंड सनसेट, सनराइज और सनसेट के समय आप स्काई देखे। हैव यू वंडर एज टू व्हाई द सन एंड द सराउंडिंग स्काई अपीयर रेड, क्यों सन और सराउंडिंग स्काई जो है रेड अपीयर हो जाता है। लेट अस एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट द सनराइज एंड द सनसेट। रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन, सन का रेडिश अपीयरेंस सनराइज और सनसेट के बारे में हम लोग देखेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू। तो चलिए एक्टिविटी क्या है, यहाँ पे एक हम सोर्स लेते हैं, व्हाइट लाइट का सोर्स लेते हैं, उसके पास एक लेंस लगाते हैं, और यहाँ पे एक टैंक लेते हैं जिसमें हमारा कोलाइडल सोल्यूशन होगा, ट्रू सोल्यूशन होगा। यहाँ पे हमारा एक ग्लास स्लैब लेते हैं जिसमें होल होता है, यहाँ पे एक लेंस टू लेते हैं, और यहाँ पे एक स्क्रीन लेते हैं जिसपे इसका इमेज क्या होता है, बनता है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग सोडियम थायोसल्फेट डाल लेते हैं, क्या डाल लेते हैं, सोडियम थायोसल्फेट। अब यहां से पढ़िए, यू फाइंड द माइक्रोस्कोपिक सल्फर पार्टिकल, सोडियम थायोसल्फेट क्या है, माइक्रोस्कोपिक सल्फर पार्टिकल participated microscopic sulfur particle participated in about 2 to 3 minutes. तो सल्फर का जो पार्टिकल इसमें होगा 2 to 3 minutes में क्या हो जाएगा, participate हो जाएगा। You can observe the blue light from these 3 sides of the glass tank. Glass tank के तीनों sides से आप blue light देख सकते हैं। This is due to the scattering of short wavelength by minute colloidal sulfur particle. तो माइनूट कोलाइडर, ये जो तीनों जो वेव जो है ब्लू लाइट है, क्यों है, क्योंकि माइनूट सल्फर पार्टिकल जो है वो ब्लू लाइट को ही क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है, स्केटर कर सकता है, स्केटर कर सकता है।
स्केटर कर सकता है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट फ्रॉम द फोर्थ साइड ऑफ द ग्लास टैंक फेसिंग द सर्कुलर होल इट इज इंटरसेक्टिंग टू ऑब्जर्व एट द फर्स्ट द ऑरेंज रेड कलर एंड देन ब्राइट क्रिम्सन रेड कलर ऑफ द स्क्रीन। ऑरेंज तो पहला जब और होल से हम देखेंगे तो पहला रेड दिखाई देगा और लास्ट वाला क्या देगा ब्राइट क्रिम्सन दिखाई देगा। पहला वाला रेड दिखाई देगा और लास्ट वाला जो होगा देन द ब्राइट क्रिम्सन दिखाई देगा। तो उसके बाद हम चलते हैं द एक्टिविटी डिमोस्ट्रेट एक्टिविटी बताता है दिस एक्टिविटी डिमोस्ट्रेट दैट स्केटरिंग ऑफ द लाइट दैट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द ब्लूइश कलर ऑफ द स्काई एंड द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट द सनराइज एंड द सनसेट। तो ये याद रखना है आपको, यानी एक्टिविटी से हमको पता चलता है कि द स्केटरिंग ऑफ द लाइट यानी लाइट का स्केटरिंग ऑफ द लाइट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड स्केटरिंग ऑफ द लाइट हमें हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द कलर ऑफ द स्काई एंड रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट द सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट के समय जो सन होता है हमारा रेडिश होता है ये इसी के थ्रू हमें पता चलता है स्केटरिंग ऑफ द लाइट के थ्रू। लाइट फ्रॉम द सन नियर होरिजन पासेस थ्रू ए थिकर लेयर ऑफ द एयर एंड लार्जर डिस्टेंस इन द अर्थ एटमोस्फियर बिफोर रीचिंग आवर आई। लाइट फ्रॉम द सन नियर द होरिजन पासेस थ्रू द थिकर लेयर ऑफ द एयर एंड लार्जर डिस्टेंस इन द सन एटमोस्फियर बिफोर रीचिंग द सन यानी सन जो है हमारा वो अर्थ से बहुत ज्यादा है और वो लार्जर एरिया कवर करता है वहां से अर्थ तक आने में अगर वो नियर होरिजन हो तो। However, the light from the sun overhead would travel relatively shorter distance. At noon, the sun appears white. तो noon में sun कैसा appear देता है? White देता है. क्यों देता है? White on as only in little of blue and violet color are scattered. तो दिखाई देता है. White दिखाई देता है क्योंकि उस समय उसका distance कम हो जाता है. कम डिस्टेंस होगा तो स्केटरिंग कम होगा इसलिए हमको क्या दिखाई देता है वाइट दिखाई देता है। नियर द होरिजन मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट एंड द शॉर्टर वेवलेंथ आर स्केटर्ड अवे बाय द पार्टिकल देयरफॉर द लाइट दैट रीचेज आवर द आई इज लॉन्गर वेवलेंथ दिस गिव्स द नियर द होरिजन। जब नियर होरिजन होगा यानी यहाँ पे यानी सूर्य जब उदय हो रहा है जब सूर्य का क्या हो रहा है उदय हो रहा है यानी सनराइज हो रहा है तो नियर द होरिजन मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट एंड शॉर्टर वेवलेंथ आर स्केटर्ड अवे बाय द पार्टिकल पार्टिकल के द्वारा शॉर्टर और ब्लू वेवलेंथ स्केटर्ड होगा देयरफॉर द लाइट दैट रीच आवर आई एज लार्जर वेवलेंथ। तो लाइट जो रीच होगा हमारे आई पे वो लार्जर वेवलेंथ का होगा दिस गिव्स द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन इसी के कारण हमारा स्केटरिंग के कारण ही हमारा क्या होता है रेडिश अपीयरेंस भी होता है क्या चीज का सन का सनराइज और सनसेट के पल। तो थैंक यू दोस्तों ये चैप्टर कंप्लीट हो गया ह्यूमन आई वाला ह्यूमन आई। तो इस चैप्टर के आपको